Hello students. I hope you all are well. Today I am going to explain you chapter two, the sound of music part first. Remain part of this chapter till para six. I have explained you, and I told you that Evelyn Glennie was completely deaf. She can't hear the sound, but she started to feel the sounds with her body parts. And uh, during her three years course in Royal Academy of uh, London, she captured most of the top awards. मैंने आपको बताया था एवलिन ग्लेनी कम्प्लीटली डीफ हो चुकी थी वो साउंड्स को सुन नहीं सकती थी बट वो अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से उन्हें फील करना स्टार्ट करती है वो थ्री इयर्स के रॉयल एकेडमी में जो अपना कोर्स है उसके दौरान जो हाईएस्ट टॉप अवार्ड्स थे उस अकेडमी के वो उसे मिलते हैं नाउ लेट सी वॉट हैपन्स नेक्स्ट एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स म्यूज़िक के लिए वो कहती हैं इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इट मीन्स ये मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में बहता है इट मीन्स म्यूजिक रंस इन हर बॉडी इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बॉन्स एंड इवन इन माई हेयर की जो म्यूज़िक है वो मेरी स्किन में मेरी चिक बॉन्स में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी टिंगल्स मीस चुभता है इट मींस आई कैन फील द म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ माई स्किन चिक बॉन्स इवन इन माई हेयर ऑल्सो वैन शी प्लेज द जालोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इंटू हर फिंगर टिप्स कि जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तब वो अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से जो म्यूजिक है उसे फील कर सकती हैं बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स जब वो ड्रम्स पर झुकती हैं शी कैन फील द रेजन फ्लोइंग इन टू हर बॉडी जब वो ड्रम पर झुक कर उसे प्ले करती हैं तो वो उसकी जो साउंड है उसकी जो प्रतिध्वनि है उसे वो अपनी बॉडी में फील कर सकती हैं तब उसकी जो ध्वनि है उसकी जो गूंज है वो उनकी बॉडी में बहती है ऑन अ वुडन प्ले प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती है तो वो अपने जो शूज़ है उन्हें रिमूव कर देती है ताकि उसके जो नंगे पैर है वो उन वाइब्रेशंस को फ़ील कर सके जो वुडन प्लेटफॉर्म की हेल्प से जो उसमें वाइब्रेशंस होगा उन्हें वो अपनी बॉडी में फील कर सके she want to feel the music with the help of her body parts and she is doing wo music ko apni body mein feel karna chahti hai wo apne body ko apne mind ko completely free kar deti hai taki wo sounds ko feel kar sake not surprisingly evelyn delights her audience इसमें कोई surprise नहीं है कि जो Evelyn है वो अपने audience को जो भी श्रोता उसे सुनने के लिए आते हैं उन्हें बहुत ही खुशी देती है डिलाइट करती है नाइनटीन नाइन्टी वन शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी प्रिस्टिजियस सोलोइ ऑफ द ईयर अवार्ड नाइनटीन नाइन्टी वन में उन्होंने एवलिन ग्लेनी ने रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी के लिए परफॉर्म किया सोलो परफॉर्मेंस दी उन्होंने और उन्हें सोलोएस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया इट मींस शी गेट द अवार्ड शी अचीव द अवार्ड ऑफ सोलोएस्ट ऑफ द ईयर इन फिल हारमोनिक सोसाइटी से मास्टर पर जेम्स ब्लेड्स God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. एक बहुत ही famous percussionist हैं जो तालवादक हैं उनका name है James जेम, जेम्स ब्लेड्स उन्होंने कहा है कि भगवान ने उनकी जो hearing capacity है वो ले ली लेकिन उन्होंने उसे बहुत ही extraordinary, ऑर्डिनरी बहुत ही आउटस्टैंडिंग थिंग इसके बदले में दी है वट वी हीयर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस कि जो चीज़ें हम सुनते हैं वह उन्हें महसूस करती है और हम लोगों से ज़्यादा गहराई से उन्हें फ़ील करती है शी कैन फील द साउंडस मोर डीपली देन अस एंड देट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली और यही रीज़न है क्योंकि वो म्यूज़िक को फील करती है हम लोगों की तरह सुन सिर्फ सुनती नहीं है इसलिए वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस भी बहुत ही ब्यूटिफुल वे में करती है

कि मैं सिर्फ वर्क करती हूँ और यहाँ तक कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ बिकॉज शी इज डिफ शी हैव टू वर्क मोर देन अदर म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर अनार्मस लेकिन जो मैं हार्ड वर्क करती हूँ उसका जो रिज़ल्ट होता है उसका जो रिवॉर्ड होता है वो भी बहुत ही अनॉर्मस होता है बहुत ही बड़ा होता है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव द फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स वो अपने जो रेगुलर कॉन्सर्ट है वो तो करती ही हैं साथ ही जो एवलिन है एवलिन है वो प्रिजन्स यानी जेल के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए भी फ्री कॉन्सर्ट करती है विदाउट फीस की वो कॉन्सर्ट करती है शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन और वो जो यंग म्यूजिशियन हैं उन्हें भी बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी देती है हाई प्रायोरिटी देती है कि उन्हें क्लासेस दी जानी चाहिए एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डीव सेज एन रिचलिन एक पर्सन का नेम है जो कि बिथोवन फंड जो कि डीव चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया है उससे रिलेटेड है वो कहते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्परेशन फ़ॉर डीव चिल्ड्रन कि वो जो डीव बच्चे हैं उनके लिए चमकती हुई इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नाव वेयर दैट दे कैन नॉट गो कि जब से बच्चों ने इवलिन के बारे में सुना है डीव चिल्ड्रंस ने तब से वो उनके लिए प्रेरणा बन चुकी हैं और अब उन्हें बच्चों को ये लगता है कि कोई भी ऐसी जगह है नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते दे कैन डू एवरी थिंग With the help of their hard work, Evelyn Glennie has already accomplished more than more most people twice her age. jo Evelyn Glennie hai unhone apni आयु के दुगने लोगों से ज़्यादा पब्लिसिटी प्राप्त कर ली है। She has brought percussion to front of orchestra. उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को एक नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया एक नई पहचान दिलाई है ए ओ, जो भी ताल है जो भी ऑर्केस्ट्रा है उन सबको एक उन्होंने एक डिफरेंट वे में लोगों को दिखाया है एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग और बताया है कि ये बहुत ही मूविंग है शी हैज़ गिवन इंस्प्रेशन टू दोज हु आर हैंडी कैप्ड जो हैंडी कैप्ड हैं डिसेबल्ड पर्सन हैं उन्होंने उनको उन्होंने एवलिन ग्लैनी ने एक इंस्परेशन दी है प्रेरणा दी है पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन लोग जब उन्हें देखते हैं तो कहते हैं जो हैंडी लोग हैं डिसबल्ड पर्सन है जब वो उन्हें देखते हैं उन्हें इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक प्ले करते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं एंड नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन अनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस और वो बहुत से लोगों को मिलियंस पर्सनस को बहुत सारा प्लेजर देती हैं बहुत सारी खुशी देती हैं सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द चैप्टर रिलेटेड टू अ डिसेबल पर्सन नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर आंसर दीज क्वेश्चन्स इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच इट मीन्स आपको शॉर्टली इनके आंसर देने हैं कुछ वर्ड्स में कुछ पैराग्राफ्स में वैन वॉज़ हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड पहली बार जो इवलिन की डीफनेस को नोटिस किया गया था वो कब किया गया था वैन वॉज़ इट कन्फर्म्ड और ये कब कन्फर्म हुई थी कि वो कम्प्लीटली डीफ हो चुकी है हर डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड वैन शी वॉज इलेवन ईयर्स और जब उन्होंने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया था तब पहली बार उनकी जो डीफनेस है उसे नोटिस किया गया था एंड हर मार्क्स हैड डेटेटेड और उनके जब मार्क्स बिल्कुल कम आए थे बहुत ही कम आए थे बहुत ही बिगड़ चुकी थी उनके मार्क्स की कंडीशन तब ये नोटिस किया गया था जब वो इलेवन ईयर्स की थी इट वॉज कन्फर्म्ड वैन शी वॉज टेक्कन टू अ स्पेशलिस्ट जब उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया तब ये कन्फर्म हो गया था दैन इट वॉज डिसकवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली विकन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज जब स्पेशलिस्ट को दिखाया गया तो उसने ये डिस्कवर किया था उन्होंने ये पता लगाया था कि धीरे धीरे उनकी जो नर्व हैं वो डैमेज हो गई हैं और इसकी वजह से वो आ, जो अपनी हियरिंग कैपेसिटी है वो खो चुकी हैं क्वेश्चन टू हु हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक म्यूजिक को कंटिन्यू करने में उनकी हेल्प किसने की, की थी वॉट डिड ही डू एंड से वो उस क्या करते थे और क्या कहते थे इवलिन को अ परकॉसनिक परकॉसनिस्ट रॉन फॉर्ब्स एज टोल्ड यू एक बहुत ही फेमस ताल वादक थे रॉन फॉब्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक उन्होंने उसकी हेल्प की थी म्यूज़िक को कंटिन्यू करने के लिए ही स्टार्टेड बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स उन्होंने दो अलग अलग ड्रम्स को अलग अलग साउंड पर अलग अलग वॉल्यूम पर प्ले किया था ही सैड ट्राई टू सेंस इट समर वे और वो उसे कहते थे कि सु, तुम इसे सुनने की कोशिश मत करो किसी दूसरे तरीके से इसे फील करने की कोशिश कोशिश करो सेंस करने का थ्री नेम दैरियस प्लेसेज एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स आपको अलग अलग जगह बतानी है जहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया और कॉजेज़ भी बताने हैं रीज़न भी बताने हैं कि क्यों परफॉर्म किया एवलिन ने एवलिन ऑडिशन फ़ॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एवलिन ने रॉयल अकेडमी ऑफ़ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया था शी ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रीजन्स एंड हॉस्पिटल्स एज टॉल्ड यू वो हॉस्पिटल और प्रिजन्स में जेलों के अंदर फ्री कॉन्सर्ट करती थी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट जो उसके रेगुलर कॉन्सर्ट्स थे उनके अलावा वो जेल और हॉस्पिटल्स में परफॉर्म करती थी उनके लिए कॉन्सर्ट करती थी शी परफॉर्म्स फॉर द कॉज ऑफ़ डीफ चिल्ड्रन वो जो डीफ बच्चे थे उनकी वजह से परफॉर्म करती थी शी ऑल्सो गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन वो जो यंग म्यूजिशियन थे उनको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी उनको भी उनके लिए भी क्लासेस लेती थी नेक्स्ट आंसर द क्वेश्चन इन टू और थ्री पैराग्राफ्स दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू गिव आंसर मोर देन वन पैरा टू और थ्री पैराज हाउ डज़ इवलिन हीयर म्यूज़िक जो एवलिन है वो म्यूज़िक को कैसे हीयर करती थी इवलिन कुडेंट हीयर म्यूज़िक थ्रू हर ईयर्स एवलिन जो है म्यूज़िक को अपने कानों की हेल्प से नहीं सुन पाती थी रॉन फॉब्स द फेमस प्रकाशनिस स्पॉट हर टैलेंट जो रॉन फॉब्स थे जो फेमस प्रकाशनिस्ट थे उन्होंने उसके टैलेंट को स्पॉट किया था पहचाना था ही एडवाइज हर नॉट टू हेयर म्यूज़िक थ्रू हर ईयर्स बट समर वे वो उसे एडवाइज़ करते थे कि तुम्हें म्यूजिक को अपने कानों से नहीं सुनना है बल्कि किसी और वे से आप तुम्हें से फील करना है सेंस करना है देन ही ट्यून टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट फिर वो दो बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट पर प्ले करते थे एवलिंग सडनली रियलाइज दैट शी कैन सेंस द हाइर ड्रम फ्राम हर वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्राम द वेस्ट डाउन और अचानक जब वो प्ले कर रहे थे ड्रम्स को डिफरेंट नोट पर तब एवलिन ने फील किया कि वो जो ऊपर वाला ड्रम है उसे अपनी वेस्ट के अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से से और जो नीचे वाला ड्रम है उसे अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से पर फील कर सकती है नाउ शी डिस्कवर्ड दैट शी कैन सेंस सर्टेन नॉट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी अब उसने ये नोटिस किया था डिस्कवर किया था कि वो अलग अलग ट्यून को अलग अलग म्यूजिक को अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से फ़ील कर सकती है शी हैज़ लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन अब उसने अपने माइंड और अपनी बॉडी को अलग-अलग वाइब्रेशंस -अलग और साउंड के लिए खोल दिया था when she plays the xylophone she can feel the sound through her fingertips जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी तो वो अपनी फिंगरटिप्स से साउंड को फील कर सकती थी and when she leans against the drums और जब वो ड्रम्स पर झुकती थी she can sense the resonance in her body तब तो Uh, वो अपनी बॉडी के अंदर उसकी प्रतिध्वनि को उसकी गूंज को फील कर सकती थी ड्रम्स की गूंज को फील कर सकती थी वाइल परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट शी कैन फील द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स और जब वो परफॉर्म करती थी तो वो अपनी शूज़ को रिमूव कर देती थी खोल देती थी ताकि वो जो वाइब्रेशंस हो रही हैं प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपने नंगे पैरों से अपने पैरों में ऊपर की ओर फील कर सके i hope students you have understand in our next video we will discuss part second of this chapter thank you and have a nice day